हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं मंजीत। आपका मेरे चैनल गार्डनिंग विद मंजीत में बहुत बहुत स्वागत है। आप ये फ्रेंड्स फ्लावर्स देख रहे हैं, मैं कुछ दिन पहले नर्सरी से लाई थी और बारिश इतनी हो रही है जिस वजह से मैं इसको ट्रांसप्लांट नहीं कर पा रही हूं। तो आज मैं आपके साथ शेयर भी करने जा रही हूँ कि मैं कौन कौन से प्लांट्स लेकर आई हूँ और इसको आज मैं रिपोर्टिंग भी करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दो फ्लावर्स जो है लेकर आई इम्प्रेशन के, बहुत ही मुझको ये कलर बहुत प्यारा लगा और डबल शेडेड है। और बारिश की वजह से देखिए कितना ये पत्तियाँ पूरी बारिश से भीग गई, नम हो गई हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये जो दो प्लांट्स हैं ये साल भर चलने वाले प्लांट्स हैं, तो मैंने दो इसको लिया है और एक ये देखिए पेंजी लिया है। ये कलर मेरे पास नहीं था तो मैंने सोचा कि ये कलर इसको मैं ले लूँ। और ये गजानिया ऐसे एज वेल पहले भी मैं लगा चुकी हूँ और इसमें भी देखिए दो तीन में कलियाँ आई हुई हैं, वो कलर भी मुझको ये बहुत अच्छा लगा। और बगल में ये कैलेंडुला ये मैं फ़र्स्ट टाइम लगाने जा रही हूँ और पेंजी भी मैं फ़र्स्ट टाइम लगा रही हूँ। दोनों कलर मेरे पास नहीं था और कैलेंडुला भी नहीं था, दोनों के ही कलर मुझको बहुत प्यारे लगे। साथ साथ ये बैगन, होल बैगन मेरे पास बैगन ख़त्म हो गया था तो मैं ये दो पौधे बैगन के भी लेकर आई हूँ। तो इन फ्रेंड्स फ्लावर्स को मैं अपने जो पॉट्स लेकर आई थी अमेज़ोन से, इसमें मैं ट्रांसप्लांट करूँगी हैंगिंग प्लांट्स से प्लांटर में। तो मैंने मिट्टी की सारी तैयारी कर ली है और नीचे कुछ सूखा मैंने घास वगैरह या सूखे जो पत्ते हैं वो लगा के ऊपर मिट्टी मैंने इसको लगा दिया है। और चूँकि ये गिरे थे तो मैंने देखिए स्टैंड के लिए इस बाल्टी का उपयोग किया है ताकि ये गिरे नहीं पौधे को शिफ्ट करते समय। तो आप मिट्टी अपनी अच्छी बनाइए, सॉइल अच्छा बनाइए तो आपके फ्रेंड्स पौधे जो हैं वो बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाएंगे। और ये कुछ विंटर्स के फ्लावर्स मैं एक दो लिख रही थी कि चलिए कुछ हैंगिंग प्लांटर में मैं अपने कुछ गार्डन का लुक चेंज करूं फ्लावर्स से, क्योंकि जो मैंने विंटर के डेंथस और पिटूनिया कुछ लगाया था फ्रेंड्स, वो मैंने नीचे की छत पे लगाया था तो ऊपर की छत पे अभी फ्लावर्स बहुत कम थे। तो मैंने सोचा एक दो फ्लावर्स को यहाँ ऊपर टेरिस पे भी मैं इसकी, देखिए फ्रेंड्स जड़ कितनी अच्छी आई हुई है, काफ़ी अच्छी जड़ आई हुई है और काफ़ी नीचे तक गहरी जड़ आई हुई है। तो इसको मैं ट्रांसप्लांट कर देती हूँ, हल्का हल्का इसकी मिट्टी में थोड़ा सा निकाल देती हूँ ताकि ये जड़ को नीचे हमारी जो अपनी मिट्टी है उस पे ये अच्छे से सेट हो सके। थोड़ा सा मैं कट कर देती हूँ ताकि जो फ्रेश जड़ है वो आ सके। और ये सब जड़ को मैं हटा देती हूँ यहाँ से। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने कर दिया और अगल बगल में सारी इसमें मिट्टी लगा दूंगी। इसी तरह से मैं सारे अपने गमले सेट करके फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे गमले अपने इसमें ट्रांसफ़र कर दिए सारे पौधे, बहुत सुंदर लुक आ रहा है और बहुत सही साइज़ में ये पॉट मेरे आए हैं। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स बताइएगा ज़रूर। चलिए मैं इसको इनकी जगह पे ट्रांसफ़र करती हूँ और आप बताइए देखिए कि आपको वहाँ पे कैसे लग रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अपने हैंगिंग प्लांटर को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, ये मेरा प्लांटर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आप लोगों के पास कौन कौन से पेड़ लगे हुए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।